हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द वीक ब्लूमबर्ग बिलेनियस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कौन विश्व का रिचेस्ट पर्सन है द आंसर इज बी एल मस्क कुछ समय पहले तक अड़ानी भी इस लिस्ट में टॉप थ्री में थे बट अब वो टॉप ट्वेंटी में भी नहीं आते हैं द क्रेडिट गोज टू हंडनबर्ग रिपोर्ट एलॉन मस्क वी ऑल नो हिम ही इज द सी ऑफ टेस्ला ट्विटर वो पहले भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे एंड नाउ ही इज रिगेन द पोजिशन ऑन ट्वेंटी एट फेबर एक्चुअली जो ब्लूमबर्ग बिरेनियस इंडेक्स है ये एक डेली रैंकिंग है ये वर्ल्ड के सभी बिरेनियस को डेली बेसिस पे रैंक करती है सिंस मार्च ट्वेंटी ट्वेल्व इट इज़ पब्लिश बाय ब्लूमबर्ग न्यूज़ इस लिस्ट में सेकेंड रैंक पे है फ्रेंच बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अनोल्ट और थर्ड रैंक पे हैं अमेजन के चेयरमैन जेफ बेजोस एल मस्की इस पोजिशन और वेल्थ जंप के पीछे रीजन है उनके स्टॉक प्राइजेस में इंक्रीज होना नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है द आंसर इज बी शशिधर जगदीशन एच बैंक के एम और सी हैं उन्हें अवार्ड मिला है बैंक के टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज को सक्सेसफुली रिजॉल्व करने के लिए वेल मेंटेनिंग द बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड इंडिया की एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इसके हेड क्वार्टर्स है मुंबई में ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय असेट्स वर्ल्ड का टेंथ लार्जेस्ट बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो इट इज़ द फिफ्टीथ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इसके चेयरमैन हैं अटानू चक्रवर्ती नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे पेन नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन लिटरेचर द आंसर इज बी विनोद कुमार शुक्ला विनोद कुमार शुक्ला एक मॉडर्न हिंदी राइटर हैं इन्हें 1999 में साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिल चुका है फॉर इस बेस्ट हिंदी वर्क दीवार में एक खिड़की रहती है पेन अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी प्राइज़ है मिस्टर शुक्ला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन इंटरनेशनल इन लिटरेचर फॉर हिज नॉवेल्स लाइक नौकर की कमीज जो की नाइनटीन में रिलीज हुई थी एंड पोइट्री कलेक्शन लाइक सब कुछ होना बचा रहेगा बेसिकली उन्हें काफी लेट रिकॉन्ग्शन मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस कंपनी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पार सी बी आई पी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू मिला है द आंसर इज सी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल एक महारत्न कंपनी है एक गवर्नमेंट द्वारा ओन की गई लार्जेस्ट जनरेशन और इक्विपमेंट कंपनी है इन्हें अवार्ड मिला है फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी ये अवार्ड दिए गए थे थर्ड मार्च को विच इज सी बी आई पी डे अवार्ड्स वॉर गिवन बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आर के सिंह एंड अवार्ड वॉज रिसीव बाय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भेल डॉक्टर नलिनी सिंघल सी बी आई पी अवार्ड्स वाटर पार और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है द आंसर इज ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू डेली इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है डायल अवार्ड मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में इन द कैटेगरी ऑफ फोर्टी मिलियन पैसेंजर्स पर एन मतलब इतने पैसेंजर्स को ऑपरेट करने वाले एयरपोर्ट्स में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को डीज़ अवार्ड्स और कॉल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एनुअल सर्विस क्वालिटी अवार्ड और जो रैंकिंग होती है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑन द डे ऑफ डियर स्टूडेंट्स अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर एग्जाम आप, आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनमें से किसे ट्वेंटी इंडियन स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है वेट लिफ्टर फ्रॉम मणिपुर और वो पहली ऐसी एथलीट है जो दो बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बनी है ये अवार्ड उन्हें 2021 में भी मिल चुका है ये अवार्ड्स लॉन्च हुए थे 2019 में टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स वुमेन इन इंडिया जिन्होंने पूरे विश्व में इंडिया का नाम ऊंचा किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय द एशियन चेस फेडरेशन द आंसर इज डी डी गुकेश डी गुकेश इज अ ग्रैंड मास्टर उन्होंने महाबलीपुरम में हुए 44th में के गोल्ड मेडल जीता है, है। संतोष ट्रॉफी जीती है विच इज नेशनल लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप द आंसर इज डी कर्नाटका द फाइनल वॉज बिटवीन कर्नाटका एंड मेघालय और कर्नाटका ने मेघालय को हरा करके ट्रॉफी जीती द वेन्यू वॉज किंग पाद इंटरनेशनल स्टेडियम विच इज एन रियाद कैपिटल ऑफ साऊदी अरेबिया नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसने बहरेन ग्रैंड प्री टाइटल 2023 जीता है द आंसर इज ए मैक्स वस्टैपन द रेस वॉज एट बहरेन इंटरनेशनल सर्किट साखिर वेस्ट एशिया ये इस साल की फॉर्मुला वन ओपनर रेस थी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैक्स वस्तापो ने बहरेन का टाइटल जीता है और फर्स्ट ओपनर रेस ऑफ द ईयर भी जीती है नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा और नागालैंड में 2023 इलेक्शंस में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है द आंसर इज सी बीजेपी त्रिपुरा में बीजेपी के एम इन टू पार और मानिक शाह को दूसरी बार वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला वहीं नागालैंड में एन और बीजेपी की अलायंस ने सरकार बनाई है चीफ मिनिस्टर बने हैं नेक्यू डिओ जो कि लगातार पाँच बार से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बट इस अलायंस में सेकेंड टाइम है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शहर में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड किया गया है द आंसर इज बी ऋषिकेश इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है परमार्थ निकेतन द वेन्यू इज ऋषिकेश विच इज़ इन उत्तराखंड जो कि योगा की बर्थ प्लेस है और वर्ल्ड का योग कैपिटल है इस फेस्टिवल में टोटल सिक्सटी टू सेवेंटी आवर्स ऑफ क्लासेज होगी जिसे लिया जाएगा बाय द वर्ल्ड क्लास योगा प्रैक्टिशनर्स और साथ ही में शाम को इन लीडिंग स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ डिस्कशंस होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस राज्य में इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक सेटअप किया जाएगा द आंसर इज ए उत्तराखंड ये गवर्नमेंट ओन्ड मिल्क बैंक है एशिया में पहला मिल्क बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1989 में एट सियोन हॉस्पिटल मुंबई अंडर द लीडरशिप ऑफ अर्मिडा फर्नांडिस बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जब बच्चे को मदर का न्यूट्रिशियस मिल्क नहीं मिल पाता है उन बच्चों की हेल्प करेगा ये मिल्क बैंक इसमें डोनर रहेंगी लैक्टेटिंग वीमेन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी बुक इनमें से किसने अनवेल की द आंसर इज डी मनसुख मांडवी मिस्टर मनसुख मांडविया इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेम ऑफ द बुक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री इस बुक के ऑथर है श्री सज्जन सिंह यादव ये बुक बताती है कि किस प्रकार इंडिया ने एक इम्प्रेसिव तरीके से वैक्सीन को डेवलप किया है स्पेशली इन डेवलपिंग प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कोविड नाइन्टीन वैक्सीन नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाई सीज ट्रीटी साइन की है द आंसर इज सी यूनाइटेड नेशंस यू एन चिन कंट्रीज़ की नेशनल बाउंड्रीज के सराउंडिंग वाटर है वहाँ पे उनके मैरीटाइम टाइम लॉस चलते हैं वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं बट ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ओशियन किसी भी नेशन के लॉ में नहीं आता है तो इन अनप्रोटेक्टेड ओशन बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस ट्रीटी को साइन किया है ओशन प्रोटेक्शन पे आखिरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था चालीस साल पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक यूनिक कवर लॉन्च किए हैं द आंसर इज सी सिक्किम सिक्किम पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेट है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑर्गेनिक स्टेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन सिक्किम की चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग जिन्हें पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है कैपिटल है गैंगटॉक नेक्स्ट क्वेश्चन मर्जर होने के बाद इनमें से कौन सी एयरलाइन डिसकंटिन्यू होने वाली है द आंसर इज बी विस्तारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सेल कर दिया है विस्तारा में टाटा ग्रुप की फिफ्टी पार्टनरशिप है एंड द रिमेनिंग इज सिंगापुर एयरलाइंस तो विस्तारा मर्ज होगी टाटा एस आई एयरलाइंस लिमिटेड के साथ जितने भी फुल सर्विस कैरियर हैं मर्जर्स हैं ये सिर्फ एयर इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा बिकॉज इंडिया के बाहर दिस इज़ द मोस्ट रिकोगनाइज ब्रांड नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को जन औषधि दिवस ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज डी सेवंथ मार्च इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है सभी लोगों तक चीप और बेटर क्वालिटी मेडिसन्स पहुंचाना इसीलिए जगह जगह जन औषधि केंद्र इस्टेब्लिश किए गए हैं जहां पे गरीब हो या अमीर मेडिसिन सेल की जाती हैं इस साल इस डे का थीम है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर डी एट मार्च सदियों से इस संसार में महिलाएं कई प्रकार की इनक्वालिटीज फेस करती आ रही हैं इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इश्यूज लाइक जेंडर इक्वालिटी एक्सेस टू अबॉर्शन वायलेंस अब्यूज अगेंस्ट वुमेन इनक्वालिटी इन एजुकेशन जॉब सैलरीज जैसे मुद्दों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके ऑल्सो दिस डे इज द पॉइंट फॉर एडवांसिंग रंग इक्वालिटी इस साल इस दिन की थीम है एम्बरेक्विटी ये एक ऑनगोइंग एफर्ट का पार्ट है जिसका परपज है टू रेज अवेयरनेस अराउंड वाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नो लॉन्गर इनफ नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज ए एट मार्च

और ये प्रतिदिन एक एक लीटर ब्लड को फिल्टर करती है साथ ही दे कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल और ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूरिन प्रोड्यूस करता है सो किडनी इज बेसिकली द फिल्टर सिस्टम ऑफ अर बॉडी इस सैल इस डे की थीम है अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डायलिसिस फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन फर्स्ट हुमन है टू कमांड फ्रंट लाइन आई ए एफ कॉम्बेट यूनिट द आंसर इज बी शालिजा धामी इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब किसी महिला ऑफिसर को फ्रंट लाइन लड़ाकू यूनिट कमांड करने की जिम्मेदारी मिली है और ये फ्रंट लाइन है मिसाइल स्क्वाडन की इन द वेस्टर्न सेक्टर कुछ दो महीने पहले ही इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्ब्स ने पहली महिला ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान को वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड फील्ड सियाचिन में ऑपरेशनली डिप्लॉय किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन ऐसी पहली महिला हैं जो कि कमांड करेंगी ईएमई यूनिट को नियर चाइना बॉर्डर द आंसर इज बी कर्नल गीता राणा। गीता राणा इज फ्रॉम द कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स पहली महिला ऑफिसर होंगी जो कि ईस्टर्न लद्दाख चाइना बॉर्डर पर एक इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप का चार्ज लेंगी जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा आजकल आर्मी में भी महिलाओं को कमांडिंग रोल्स मिल रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम देर गेटिंग रोल्स आउटसाइड द मेडिकल स्ट्रीम कुछ पचास महिलाएं ऑपरेशन एरियाज की यूनिट्स को हेड कर रही हैं लाइक like है इन फॉरवर्ड लोकेशन अंडर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कमांड जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विथ चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी कंट्री फिफ्थ आसियान इंडिया बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करेगी द आंसर इज सी मलेशिया इस समिट का एग्जैक्ट वेन्यू है क्वालमपुर मलेशिया एक बिजनेस रिलेटेड समिट है तो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे बिजनेस लिंकेजेस कनेक्टिविटी सप्लाई चेन रेजिलियंस और किस प्रकार आसियन इंडिया कोऑपरेशन को डीपर किया जा सके आसियन के बारे में हम जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दैट मीन्स इसमें साउथ ईस्ट कंट्रीज आती हैं आसियान का काम है टू प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलिट्री एजुकेशन एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज इसके दस मेंबर स्टेट्स हैं आर थाईलैंड फ़िलीपींस मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ब्रुनई वियतनाम लाओ म्यांमार एंड कम्बोडिया इंडिया इज नॉट इट्स मेम्बर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम होन इसकी चेयरमैनशिप है इंडोनेशिया के पास सेक्रेट्रेट हैं जकार्ता नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ड संगमा इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं द आंसर इज सी मेघालय मेघालय में कॉन्ड संगमा का ये टर्म है एज ए सी एम इज द ट्वेल्थ एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय ही इज फ्रॉम नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय की कैपिटल है शिलोंग नेक्स्ट क्वेश्चन इंडोनेशिया की नई कैपिटल इनमें से कौन सी होगी द आंसर इज बी बोर्नियो अब तक इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता बट वो काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज़ फेस कर रही है लाइक इट इज़ बीइंग कंजस्टेड सी वाटर में सिंक हो रही है एंड इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स दैट इज़ वाई इंडोनेशियन गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो बॉर्नियो एक मेट्रोपोलिस सिटी है एंड इट विल बी अ सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी जहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट पे पूरा फोकस किया जाएगा एंड दे सेड दैट बॉर्नियो विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2045 कार्बन न्यूट्रल मींस इधर कार्बन एमिशन इज जीरो और कार्बन एमिशन इज इक्वल टू कार्बन एब्जॉर्बन ताकि एनवायरमेंट क्लीन और ग्रीन रहे इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट है जोको विडोडो नेक्स्ट क्वेश्चन चाइना के नए राष्ट्रपति इनमें से कौन है द आंसर इज डी शी जिनपिंग शी जिनपिंग का ये लगातार तीसरा फाइव ईयर टर्म है एज द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना ही इज फ्रॉम नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी और उन्हें बिना किसी अपोजिशन या के किया गया है विद द फेवर ऑफ पौडल मिस्टर पौडल नेपाल Podol. Podol, की आठ पार्टी अलायंस के कैंडिडेट हैं एंड दीज पार्टीज इंक्लूड नेपाली कांग्रेस वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रचनंदा लेड सी पी एन मॉएस्ट सेंटर रिप्लेस करेंगे विद्या देवी भंडारी को नेपाल 2008 में ही रिपब्लिक बना है और उसके बाद ये तीसरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है नेपाल की कैपिटल है काठमांडू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिटी इंडेक्स इनमें से कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा महिला बिलेनियर्स रहती हैं द आंसर इज सी यूनाइटेड स्टेट्स इस इंडेक्स में इंडिया इज ऑन रैंक फाइव मीन्स इंडिया इज होम टू द फिफ्थ हाइस्ट नंबर ऑफ फीमेल बिलियनियस इन द वर्ल्ड सिटी इंडेक्स एक नया इंटरनेशनल वुमेंस डे स्टडी है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स इंडिया में नाइन फीमेल बिलियनियर्स हैं एंड सावित्री जिंदल इज द रिचेस्ट वूमे इन इंडिया यूएस इज ऑल्सो होम ऑफ सम ऑफ द हाइएस्ट प्रोफाइल मेल बिलेनियर्स इंडेक्स में यूएस के बाद सेकंड रैंक पे है चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन टू गोल्ड मेडल्स एट स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग द आंसर इज बी निकत जरीन निखत जरीन टोक्यो में मेडल चूक गई थी और उसकी भरपाई उन्होंने स्ट्रेंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में की है यूरोप का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है यहाँ पे उन्हें 52 टू में दो गोल्ड मेडल मिले हैं इंडिया ने इस टूर्नामेंट में आठ मेडल्स जीते हैं इस इवेंट का वेन्यू था सोफिया बुल्गेरिया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इनमें से इक्कीस तारीख को सी आई एस एफ डेट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज सी मार्च बिकॉज इसी दिन 1969 में सी की स्थापना हुई थी सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टॉप फोर्स है इसका काम है नेशन स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो ड नॉट फॉर लाइक सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग की जय हिंद जय भारत तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रैप में तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू